उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज दुमका गैंगरेप मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी की और जानकारी मांगी गई है। झारखंड में विदेशियों के प्रवेश को लेकर कोई SOP है या नहीं, इसे लेकर जानकारी मांगी गई है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले को लेकर झारखंड में कोई SOP है या नहीं, इस बात की जानकारी मांगी गई है। इसके बारे में भी कोर्ट ने पूछा है। आपको बता दें कि अब तक कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। 13 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं 1 मार्च की रात में दुमका के हंसडीहा के कुंजी गांव में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। तो देखिए, ये हाई कोर्ट ने ये बात पूछी है कि झारखंड में कोई SOP है या नहीं। हंसडीहा में जिस तरीके से एक विदेशी महिला स्पेनिश से घूमने के लिए आई थी, उस दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया। 7 से 8 की संख्या में वो युवक थे जिन्होंने गैंगरेप किया, जिसके बाद पूरी जो मुद्दे को उठाया विधानसभा में और उसके बाद पूरी कार्रवाई की जा रही है। झारखंड हाई कोर्ट में आज दुमका गैंगरेप मामले में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान की बात कही जा रही है। अब आपको बता दें कि अब तक क्या क्या हुआ है। विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार 1 मार्च की रात की घटना हुई थी। हंसडीहा थाना के कुमराहाट में गैंगरेप में 7 से 8 आरोपी ने मिलकर ये गैंगरेप किया था। पति के साथ बाइक टूर पर निकली थी ये महिला और शाम होने के कारण कुमराहाट में रुकी। हंसडीहा बाजार के पास टेंट लगाकर वहां पे सोई। टेंट में मारपीट और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए 8 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। तो दुमका गैंगरेप मामले के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बनी रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।